गाइस यार देखो, मैं जाने वाला था पीक पर, तो पीक पर तो गाइस देखो बहुत सारे बंदे उतर चुके हैं, अपने फर्स्ट ही घर में उतर चुके हैं। तो गाइस हम जाने वाले हैं पोचिनोक पर। तो गाइस क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमें पोचिनोक पर ही लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि कारण ही ऐसा हो गया था क्योंकि हमें वहाँ पर गन नहीं मिलती और फिर भी यहाँ पर जिपलाइन से मुझे लगता है हमें भागना पड़ता। तो गाइस यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर MP40 और ये क्या, छोड़ो यार कोई बात नहीं भाई भाई, लेकिन एक बात बताऊँ यार क्या गाइस, यहाँ पर देखो 44 बंदे अभी भी अलाइव हैं। ये बात नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगा। और गाइस हमें 0 कर ले, तो गाइस एक काम करते, यहाँ पर तो कोई भी नहीं उतरा गाइस, कोई भी नहीं देख रहा इस साइड, तो गाइस देखना तो जरूर चाहिए। तो गाइस यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोई होगा या फिर नहीं होगा। और इस एक इस घर में बंदा है, चलो मुझे लगता है स्कोर भी हो सकती है। पहले एक काम करते, यहाँ पर देख रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छा कर रहा है, डैमेज दिया था यार उसने, मतलब गाइस यार बिल्कुल। यहाँ पर मेडिकेट मार के आप देखते हैं गाइस, अगर ये सीलिंग में बैठा होगा गाइस हेड मारने की एक बार कोशिश। आजा बेटे आजा, हेड पे आजा, और गाइस हेड पे 81 का क्या ही तगड़ा हेड, दो हेड पड़ गए उसमें कर रही। तो गाइस यहाँ पर देख लो स्मोक बम का वाला, स्नो ड्रॉप बम कर देते हैं, यहाँ पर फेंक दिया, थोड़ा थोड़ा डैमेज कर लगता है। एक बंदा उतर गया, लेकिन हम उससे पहले कन्फर्म करके आते हैं कहीं वो देखते नहीं, तो उसका दूसरा बंदा रिवर्स कर दिए, तो छोड़ कर भाग गया यार उसे। चलो आजा आजा, अरे नहीं आएगा नहीं आएगा गाइस, पूरे रिवाइव करने निकल गया इसकी स्क्वाड को, इतने जल्दी कहाँ पर मर कर आ गए यार ये लोग, समझ में नहीं आता गाइस। वो तो रिवाइव करने गए, पहले लूट लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट रिवाइव पॉइंट की साइड। तो चलो टेलीपोर्ट स्कीम स्टार्ट। तो गाइस देखो हम डायरेक्ट रुकेंगे टेलीपोर्ट, तो यहाँ पर देखो कार वाला मुझे लगता है ये ठोक गया, नहीं ठोका नहीं है मतलब, लेकिन निकल गया गाइस कार वाला आस पास से कहीं से। भाई एक काम करते, ये देखो अच्छे से लूट पाट कर रहा है, एक काम करते इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं यार जी, से 36 से अपन ने इसको ख़त्म कर दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं, यहाँ पर चले, यहाँ पर कुछ नहीं। अब एक काम करते डायरेक्ट यहाँ पर चलते हैं, कोई नहीं आने वाला। एक काम करते यहाँ से अपन ने एस कार चेंज कर ली गाइस, कॉम्बो बन चुका है अपना M40 और एस कार का, जो काफ़ी तगड़ी। ठीक है गाइस, और गाइस मैं क्या बोलने वाला था कि गाइस पता नहीं यार यूट्यूब को मुझसे क्या प्रॉब्लम है भाई, वीडियो को शो ही नहीं करता यार, मैं कितना ही कुछ कर लूँ लगा इस वीडियो को शो ही नहीं करता है आप लोगों के सामने। मैं मतलब रेगुलर मेरी वीडियो चैनल पे वीडियो आती है, वही मतलब कर रही मैं थंबनेल, इतनी मेहनत करके मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन यूट्यूब पता नहीं क्या है भाई, कह रहे उन लोगों का दूसरे लोगों का करता है भाई, मेरा भी कर दिया कर यार प्लीज़, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार यूट्यूब का भाई, इसलिए मैं फिर भी गाइस मैं डालता रहता हूँ वीडियो। ये देखो ये जा रहा है, थोड़ा और कहा सक्सेस कर लेते हैं, समझ रहे हो गाइस मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन भाई नहीं भाई अभी तक पता है एक भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया मेरे इस चैनल पर, समझ रहे हो, लेकिन तब भी भाई यूट्यूब वाले पता नहीं कब करेंगे मेरी वीडियो को। मैं फास्ट ऊपर वीडियो हो चुकी है मेरी, लेकिन और गाइस मेरा सेकंड चैनल में भैया जी वाला, तो गाइस उस पर भी मैंने बहुत सारी मतलब 200 से और भी वीडियो मैंने काट दी अभी तक, देखता तो गाइस 350 वीडियो हो जाती है, क्या करें गाइस यार नहीं मर जाए। वही मैं बात करने वाला था कि गाइस मैं करूँ क्या, समझ में नहीं आता यार यूट्यूब वालों का, भाई सबकी वीडियो शो करते हो भाई, मेरी भी कर दिया करो, उसी के चलते मैंने लगा मुझे से तो फोन आ गया बाबा पूरा, तो बोले आ जा तेरी तो खा है दिमाग भाई, इधर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात चल रही है और ये लोग परेशान कर रहे हैं, मतलब भाई पता नहीं क्या तकलीफ है। मैंने वो भैया जी वाले चैनल पर 350 वीडियो अपलोड करी, लेकिन उस पर अभी तक मेरा मतलब इम्प्रेशन नहीं जाता, लोग वो शो ही नहीं करते यूट्यूब वाले, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे से। और भाई उसके चलते मैंने सोचा उसमें कोई 2-3 बार आ गए इससे बेहतर, तो कॉपीराइट के लिए मैंने कंटेंट यूज़ कर दिया था, सॉन्ग वोंग डाल दिए थे, तो गाइस मैंने उनको काट दिए, चलो ठीक है उस चैनल पर मत दो। लेकिन गाइस ये मैंने इस हार्ड वीडियो अपलोड कर चुकी, 3 महीने से रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस पर, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं यूट्यूब टीम की साइड से मेरे लिए। तो गाइस ये लोग चाहते क्या है कि मैं बंद कर दूँ, लेकिन गाइस अपन भी कहाँ हार मानने वाले हैं, गाइस अपन भी नहीं हार मानने वाले, तो हम तो लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे, देखते हैं इस यूट्यूब वालों को, मतलब भाई थोड़ा बहुत तो करो यार, ऐसा तो करो कि मुझे लगे कुछ बेनिफिट मिले। मैं भाई इतनी पता है मैं 2.5 साल मतलब 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस यूट्यूब पर, कंटेंट बना रहा हूँ भाई, कॉमेडी मतलब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ अपने, मतलब भाई कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं हम लोग आपको बता दिए यूट्यूब वालों, लेकिन आपको कहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला है यार।
समझ में नहीं आता भाई कितने। ये देखो ये सामने से काम करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कोई आता है या फिर नहीं, घर में देख लेते हैं। चलो ठीक है। और ये देखो ये क्या रहा, ये जो कई बंदे हैं इसने हमें दूर से मारा, तो ये भाई बंदे अबे ऊपर है ये आ लिया है इस कार से, इसको नहीं छोड़ेगा। पहले तो ग्रेनेड से मारते हैं यार, ऊपर से ये ग्रुप वाले ऊपर से बंदे। चलो ठीक है इसको तो निपटा देंगे। और भाई यार टी फोर का डैमेज पड़ा, डायरेक्ट ऊपर चलने वाले और ये इसका दूसरा सांस ही। चलो इसको तो नॉक कर दिया और ऊपर चल के खत्म है रे पापा, खत्म है भाई। मैं क्या बोला वो यूट्यूब का यार भाई बहुत भाई, थोड़ा तो करो मतलब ऐसा तो करो कि हमें लगने लगे हाँ भाई कुछ तो फील हो रहा है भाई। ऐसे करोगे तो कितने बंदे YouTube छोड़कर चले जाएंगे भाई। भाई तो बात सोचो ना यार, ढाई साल से मेहनत कर रहा हूँ, मतलब एक साल से करता तो चलो अनफॉर्चुनेट मान लेता कि चलो एक साल हुआ यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढाई साल से भाई तुम तो वीडियो शो नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कैसे बढ़ेंगे बाबा, क्या मेरे बुढ़ापे में सब्सक्राइबर बढ़वाओगे मेरे यार, समझो। लेकिन ठीक है गाइस कोई बात नहीं, हम मैच पर फोकस करते हैं फिलहाल, इनको बोलने से तो कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि गाइस क्या करें। अरे बाबा ये देखो मैं तुम्हारे लिए तो आया था, एक और बिलू आगे डालकर एक काम करते हैं, ये दोनों साथ में एक काम करते हैं, इसने ग्रेनेड किया अच्छा आइडिया, चलो इसको तो उड़ा डालते हैं। आजा 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 ये देखो एक तो नॉक होना चाहिए गाइस अपने ग्रेनेड से, तो गाइस एक नॉक हो गया तो गाइस मार ही जाता है, एक नॉक हो गया और इसको भाई को हो जाओ हो बिलू डाल लिया भाई, ये तो डाल लेते लेकिन हमारे बिलू नहीं डालते तू बाहर आके चुका दिया। तो गाइस यहाँ पर देखो 8 किल हो चुके हैं हमारे यूट्यूब को, सुनाते भाई बहुत दुख होता है रियल में, बहुत दुख होता है यार, मतलब भाई हमारे फैमिली वालों को कैसे समझाऊं कि भाई वो कह रहे हैं मेरी मतलब मॉम बोलती है भाई तू 2 साल से मेहनत कर रहा है और कुछ अभी तक हुआ नहीं तो भाई क्या करूं, लेकिन फिर भी अपन मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को तो संभाल समझा नहीं सकते ना। तो बस ये देखो ये कह रहा, मैंने उसको पाई से देख लिया, ये बंदी उसको देख रही थी वो जी जो नेम दे दी का नेम हैगा सेंची, सेंची ऐसा था सेंची ऐसे कुछ नाम था सेंची। तो बस यहाँ पर देखो वेंडिंग मशीन है, इसको एटीएम वेंडिंग मशीन कुछ भी सामान आइटम परचेज सामान बाय सेल करना बोलते, सेल तो नहीं बाय कर सकते, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा आइटम परचेज कर लेते हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं यार, रिफ्रेश ये देखो सोल्ड आउट खरीद लिया रिफ्रेश करके। तो बस एक कर रहा था खड़े होकर भाई, गुरु की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है यार, गुरु क्यों नहीं डलता मेरा गाइस। अभी अभी मैंने पहले वीडियो में बताया था कि गाइस मैंने हेडफोन से अपडेट हुआ, हेडफोन लगा के स्टार्ट किया तो बस पूरा हैंड कैम जितना भी था गाइस सब कुछ बिगड़ गया मेरा, कस्टमाइज्ड तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली चेंज करना पड़ा। तो बस एक काम करते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना फिलहाल पर, समझ रहे वीडियो आज पर 10 किल हो चुके हैं हमारे। एक और बंदे देख लेते हैं और बंदे यहाँ पर कहाँ पर हैं, चलो ठीक है इधर होंगे ऊपर साइड, मुझे लगता है होना चाहिए बंदे ऊपर साइड, जैसे ही आए तो ये देखो एक बंदा रनिंग मार रहा है, हेडशॉट रनिंग ऐसे मारने की कोशिश, लेकिन बंदा निकल गया भाई, क्या ही सीन है, बंदों को आजकल हेड भी नहीं पड़ रहा यार, आतंक खत्म हो गया भैया जी आपका तो। अरे इसको तो नॉक कर दिया, एक काम करते इसको नॉक करके अब इसको पूरा ख़त्म करके आते, क्योंकि बस हमारे किल बहुत चोरी हो जाते हैं, एक तो वहीं पर चुरा लिया जिसके कारण मुझे बहुत दुख होता है, वैसे बदला लेते हैं बंदे हमसे क्योंकि हम भी लोगों के बहुत किल चुरा लेते हैं यार, बहुत 2-3 किल चुराए बंदों के। तो खैर यहाँ पर 11 किल हो चुके हैं और गाइस सामने की साइड ये देखो बंदा फाइट कर रहा है यहाँ पर जिप लाइन की साइड, तो यहाँ पर देख लेते हैं बंदे हैं या नहीं भाई सब कहाँ पर है। गाइस अगर ये मैच बुरिया हो जाता है तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ये रहा इसको मारते हैं पहले, अरे मत जा मत जा इसकी पूरी स्कोर है, नहीं 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 भाई बिलू नहीं डला, ठीक है भाई बुरिया नहीं हो पाई, लेकिन गाइस बोला था कि लाइक एंड सब्सक्राइब, लेकिन गाइस फिर भी वीडियो में अगर अच्छी लगी हो कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो बहुत अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर मत बोलना, मुझे नहीं पता लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो, बाय।